हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फिर चाहे वो यूपीएससी की हो, नीट की हो, स्टेट पीसीएस की हो या अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की हो। तो हर प्रिपरेशन में बहुत बार स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं ऑफलाइन, कोई लोग ऑनलाइन करता है और कोई सेल्फ स्टडी से ही अपनी प्रिपरेशन को करता है। तो आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग लेने की सोच रहे हैं या काउंसलिंग अटेंड करने की सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सी कोचिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोचिंग काउंसलर्स मिलते हैं, यानी कि वो आपको कोचिंग के बारे में बताते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कोचिंग्स के बारे में गाइड करते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वो यही है कि आखिर आपको कोचिंग काउंसलर से कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या अपनी कोचिंग के रिगार्डिंग। जिसमें पहला सवाल यही आता है कि क्या ये कोचिंग जिसके बारे में वो बता रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके प्रिपरेशन कराती हैं या फिर नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम बहुत बार क्रिएट हो सकती है जहाँ पर हमको ऑफलाइन तो हम जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे हमें ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें घर में बैठे हमको काम की ज़रूरत होती है, यानी कि हम घर से ही अपना सारा प्रिपरेशन कर लें। तो हमको हमेशा ये पूछना चाहिए कि क्या ये जो कोचिंग है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन करा रही है या फिर नहीं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन जो हमें कोचिंग काउंसलर से पूछना चाहिए वो ये है कि आखिर उनकी पर्टिकुलर कोचिंग का क्या पास्ट रिजल्ट रहा है, क्योंकि पास्ट रिजल्ट बहुत मैटर करता है। कोचिंग कितनी भी अच्छी होगी, अगर उसका रिजल्ट नहीं निकला है बहुत सालों से या कुछ साल तक निकला है लेकिन उसके बाद से रिजल्ट नहीं आना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो कोचिंग कितनी भी अच्छी हो, हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनका जो पास्ट रिजल्ट है वो कैसा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें कोचिंग काउंसलर से पूछना ही चाहिए कि आखिर एक पर्टिकुलर कोचिंग का जो पास्ट रिजल्ट है वो क्या रहा है, कैसा रहा है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ से पास हुए हैं बट एज अ अच्छे एग्जाम लेवल्स में उन्हें क्रैक किया है। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके स्टडी मटेरियल नोट्स, यानी कि स्टडी मटेरियल के बिना आपकी प्रिपरेशन एकदम अधूरी है, टेस्ट सीरीज के बिना आपकी प्रिपरेशन एकदम अधूरी है और मॉक टेस्ट दिए बिना तो प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये सवाल पूछें जहाँ भी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करने जाएंगे। ये ज़रूर देखें कि क्या वो आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बेसिक पार्ट है किसी भी कोचिंग का। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फैकल्टीज़ कैसे हैं, यानी कि फैकल्टीज़ किस तरह से मतलब उनको कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, क्या उन्होंने पहले कभी ये एग्जामिनेशन खुद दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या उनको एजुकेशन के फील्ड में उनको कितना उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक्सपीरियंस फैकल्टीज से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो इसलिए आपको ये जो अगला क्वेश्चन वो यही बनता है कि क्या जो फैकल्टीज़ कोचिंग प्रोवाइड कर रही है क्या उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्या उनको एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कोचिंग काउंसलर से पूछना चाहिए वो यही है कि इस पर्टिकुलर कोचिंग का जो बैच साइज़ है वो कितना है, क्योंकि बैच साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी भी कोचिंग के बैच में अगर कम स्टूडेंट्स हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम स्टूडेंट्स की वजह से एक पर्सनल अटेंशन और पर्सनल गाइडेंस स्टूडेंट्स को मिलती है। लेकिन अगर उसी कोचिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चों के एडमिशन कराए गए हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इस वजह से पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं कोचिंग काउंसलर से पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि क्या उस पर्टिकुलर कोचिंग का जो बैच है पर बैच जो स्टूडेंट का अमाउंट है वो कितना है, क्योंकि अगर उस कोचिंग में 150 बच्चे पर बैच में बैठेंगे तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा रश वाली सिचुएशन वहाँ पे हो जाएगी, और पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस ऐसे में मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं बैच साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने कोचिंग काउंसलर से पूछने चाहिए, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का एक टॉपिक आता है, टेस्ट मटेरियल स्टडी मटेरियल का एक टॉपिक आता है, बैच साइज़ का टॉपिक आता है और फैकल्टीज़ का टॉपिक आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
बाकी पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, आपको एक कोचिंग में क्या चाहिए वो आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।